प्रोटीन से भरपूर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा आज हम बना रहे हैं जिसे बनाने में ना तो फर्मेंटेशन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की इस टेस्टी डोसा के साथ हम बनाएंगे एक झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली चटनी तो चले इस आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चौथाई कप उड़द की दाल एक चौथाई कप चना दाल साथ में ही हम ऐड करेंगे एक चौथाई कप तुअर दाल एक चौथाई कप पीली मूंग की दाल और एक चौथाई कप छिलके वाली मूंग की दाल अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चावल ये नॉर्मल रूटीन के चावल है जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इस डोसा में आप चाहे तो चावल की क्वांटिटी आधी भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को करीबन पाँच से छः बार हम अच्छे से वॉश कर लेंगे बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ी चम्मच जीरा और कुछ सूखी लाल मिर्च अब इसमें हम ऐड करेंगे दो ग्लास यानी करीबन आधा लीटर जितना पानी और इसे कवर करके चार घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे चार घंटे में दाल और चावल दोनों ही अच्छे से भीग के तैयार हो जाएंगे और जब तक दाल चावल रेडी हो रहे हैं हम चटनी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए है कुछ सूखे नारियल के टुकड़े जिसे गर्म पानी में मैंने करीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था मिक्सी में पहले हम इस सूखे नारियल को ही पानी के साथ हल्का सा क्रश कर लेंगे चटनी में जब सूखे नारियल का इस्तेमाल करें तो पहले इसे बारीक क्रश जरूर करें बाद में ऐड कीजिए तीन चम्मच रोस्टेड चना दाल आधी चम्मच जीरा डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और दो से तीन सूखी लाल मिर्च इसे भी टुकड़े करके हम मिक्सर जार में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हमें इसकी एक स्मूथ चटनी तैयार करनी है चटनी बिल्कुल तैयार है अब तड़के की तैयारी करते हैं तो एक पैन में करीबन एक बड़ी चम्मच जितना हम तेल गरम करेंगे तेल में हम ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच उड़द की दाल एक चौथाई चम्मच राई के दाने दोनों चीज़ें जब अच्छे से चटकना शुरू हो जाए इसमें एक छोटी सी लाल मिर्च सूखी हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच जितनी हींग डाल देंगे और इस तड़के को तुरंत ही चटनी में ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बहुत ही टेस्टी झटपट चटनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए करीबन चार घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल चावल जो मिर्ची हमने भिगाई है वो बहुत अच्छे से भीग कर तैयार है सबसे पहले हम जो यहाँ पर एक्सेस पानी है इसे अलग कर लेंगे और हम जब दाल और चावल को पीस कर बैटर बनाएंगे तब तो इस बैटर बनाते वक्त आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं ये डोसा परूषण के दिनों में बना रही हूँ तो मैं इसमें हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगी आप चाहे तो कर सकते हैं पीसते वक्त थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और हमें इसका स्मूथ और गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है बैटर तैयार है ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस स्टेज पर मुझे ये बैटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी इसमें आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि इस डोसे के लिए हमें बहुत पतला बैटर नहीं चाहिए इसी तरह कंटिन्यूस चलाते हुए हम इस बैटर को करीबन दो मिनट के लिए विस्क कर लेंगे ताकि ये बैटर में एक अच्छी सी एयर आ जाए और एकदम ये फूल जाए जिससे डोसा बहुत ही अच्छा बन तैयार होगा तो लीजिए बैटर बिल्कुल तैयार है अब बनाते हैं डोसा डोसा बनाने के लिए तवे को अच्छे से गर्म कर लें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके हम पोस्ट देंगे ताकि जो तवे का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे एक कटोरी जितना बैटर हम इस तरह सेंटर में रख देंगे और चम्मच से इस तरह इसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए स्प्रेड कर देंगे ताकि जो डोसा है वो अच्छे से पतला बन के तैयार हो साइड्स पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और डोसा जब अच्छे से क्रिस्पी होना शुरू हो जाए तो केयरफुली उसकी साइड्स को इस तरह उठा के हम इसे फ्लिप कर देंगे आप चाहें तो डोसा सिंगल साइड पका के भी सर्व कर सकते हैं मुझे पर्सनली डोसा दोनों साइड पके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं दूसरी साइड पे हल्का सा ही इसे पका लेंगे और इसे राउंड इस तरह फोल्ड करके गर्मा गर्म सर्व कर देंगे ये देखिए कितना टेस्टी और परफेक्ट डोसा बन के तैयार हो चुका है बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी के साथ आप इसे सुबह के नाश्ते में या डिनर में सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बन तैयार होता है आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा रुचिज़ वेज किचन को टैग करके आप ऊपर दिए गए सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर